आईपीएल 2024 का 52वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो आरसीबी के लिए यह सीजन काफी खराब रहा है। दोस्तों, अगर आप भी टॉस मैच सेशन की सटीक रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आप संजू भाई से संपर्क करें। इनका काम बहुत बेहतर है, मैंने खुद इनका काम चेक किया है, तो एक बार आप इनसे संपर्क जरूर करें। इनका कॉन्टेंट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीम ने इस सीजन 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 3 में जीत मिली है, जबकि गुजरात में भी अब तक 10 ही मैच खेले हैं, जिनमें से उन्हें 4 में जीत मिली है। आरसीबी की टीम 10 मैचों में 3 जीत और 6 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। वहीं गुजरात की बात करें तो वो 10 मैचों में 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। वहीं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां अब तक बराबरी का मुकाबला रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 4 मैचों में आरसीबी और जीटी ने 2 मैच जीते हैं। ऐसे में आप सभी के मन में यही सवाल है कि मुंबई और कोलकाता के बीच होने वाला ये मैच कौन जीतेगा। मैच जानकारी। मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस, मैच 52, वेन्यू चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, दिन और समय 4 मई शाम 7:30 बजे। लाइव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो सिनेमा ऐप। पिच रिपोर्ट। बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलता है। गेंदबाजों के लिए यह मैदान जहन्नुम से कम नहीं है। गेंद बल्ले पर यहां अच्छे से आती है। मैदान भी काफी छोटा है, जिसके चलते चौकों छक्कों की बारिश भी बेंगलुरु में जमकर देखने को मिलती है। हालांकि स्पिनर्स को चिन्नास्वामी स्टेडियम में थोड़ी मदद जरूर मिलती है। इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का टारगेट भी कभी कभी कम पड़ जाता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड। कुल मैच 4, बेंगलुरु ने जीते 2, गुजरात ने जीते 2, नो रिजल्ट 0। संभावित प्लेइंग 11। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट कोहली, फाफ टू प्लेसिस कप्तान, विल जैक्स, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, स्वप्निल सिंह, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और गुजरात टाइटन्स। रितिमान साहा विकेट कीपर, शुभमन गिल कप्तान, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, असमतुल्ला उमर, जय राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, श्री निवास, साई किशोर, नूर अहमद और मोहित शर्मा। आरसीबी वर्सेस जीटी का हेड टू हेड रिकॉर्ड। स्कोर प्रदर्शन। टीम पहली पारी, दूसरी पारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 180 से 200 और 180 से 200। गुजरात टाइटन्स 70 से 190 और 180 से 200। कौन जीतेगा आज का मुकाबला। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखें तो यहां अब तक दोनों टीमों का पलड़ा बराबर रहा है। वहीं पिछले मुकाबले की बात करें तो वहां आरसीबी ने एक तरफा जीत दर्ज की, तो ऐसे में इस मैच को बेंगलुरु अपने नाम कर सकती है। वहीं गूगल की माने तो आरसीबी के पास इस मैच को जीतने के 64% संभावना है, जबकि जीटी की 36%।